कॉमन सेंस है आप में? अब ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, बताएंगे जवाब देंगे। कॉमन सेंस है आप में? थोड़ा तो थोड़ा कहीं तो अंदर रखो, चेक करो इधर कहीं। हे वेलकम टू इंडिया फर्स्ट न्यूज, मैं हूं अभिनय सोनी और आज का जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं उसका नाम है यूथ फर्स्ट, जिसमें हम लोगों से पूछेंगे कई तरह के सवाल जिसमें कुछ कॉमन सेंस से रिलेटेड हो। तो जैसा कि हम ये प्रोग्राम भोपाल से कर रहे हैं, तो भोपाल से ये आज का जो सवाल है कि भोपाल से एक फ्लाइट उड़ती है दिल्ली के लिए, वो पहुँचती है 1.5 घंटे में, पर जो वापस आती है तो 90 मिनट में, तो ऐसा क्यों? तो जानते हैं भोपालियों से उनकी राय कि उनका कॉमन सेंस कितना काम करता है इस क्वेश्चन पे, देखते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे कि भोपाल से एक हवाई जहाज फ्लाइट उड़ती है दिल्ली के लिए, वो जाती है 1.5 घंटे में दिल्ली और वापस आती है 90 मिनट में, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों पता नहीं सर, थोड़ा तो होगा अनपढ़ आदमी भैया। अरे तो अनपढ़ आदमी के बात तो सबसे ज्यादा कॉमन सेंस होता है। अरे नहीं भैया, हम कुछ नहीं जाना। अरे थोड़ा बहुत तो होगा यार, क्या नाम क्या है आपका? अरे हम गाँव से आए। गाँव में तो बहुत टैलेंट भरा है भाई साहब, कहाँ से आए, कहाँ कौन से गाँव से? हम भैया सुप्पापुर गाँव से। क्या नाम लिखते हैं? अज्जू भाई। अज्जू भाई, तो यहाँ क्या करते हैं आप? हम यहाँ बैठे हैं साहब। बैठते हैं आप, बहुत बढ़िया ये जो काम है। तो एक सवाल फिर भी पूछ रहा हूँ मैं आपसे, उसका जवाब अगर दे दे तो आप, क्या है आपके? मेरे पास मोबाइल है। जैसे भोपाल से एक हवाई जहाज उड़ता है दिल्ली के लिए, 1.5 घंटे में पहुँचता है दिल्ली, और दिल्ली से आता है तो 90 मिनट में भोपाल, ऐसा क्यों, इतना बड़ा अंतर क्यों? अब ये तो उन्हीं को पता होगा, पहले तेज स्पीड से जाती होगी, बाद में स्पीड से नहीं, तो लौटते में ऐसी स्पीड धीमी क्यों हो जाती है, मैं पूछना चाह रहा हूँ। मौसम के कारण। चलिए हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है जो कि इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं, कि सवाल ये है कि एक भोपाल से हवाई जहाज उड़ता है दिल्ली के लिए 1.5 घंटे में पहुंचता है, और दिल्ली से वापस भोपाल आता है तो 90 मिनट में, तो इतना बड़ा अंतर क्यों? कुछ विशेषताएं होगी, कुछ खास बात होगी, ये तो अपन नहीं जान सकते। होगा कुछ ना कुछ कारण उसका। कुछ तो मतलब क्या कारण होगा, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि कारण क्या। आगे टाइम टेबल भी होता ना उसका भी, टाइम टेबल, टायर में हवा कम, हवा टायर में रहेगी तो बेसिक मुसाफिर बेसिक बैठ जाएंगे, पंखे नहीं काम करते बार बार, पर नहीं होते बेसिक उड़ेगा नहीं, पंखे नहीं उड़ेगा। सही हुआ, तो क्या मतलब क्या कारण हो सकता है कि ट्रैफिक के कारण? क्या सर, ट्रैफिक तो हो ही नहीं सकता ना, कारण होगा इसलिए लेट होता है, जल्दी आता ही है कारण। 1.5 घंटे में तो पहुंच जाता है बराबर उसकी टाइमिंग से, पर 90 मिनट लगते हैं वापस आने में, पता नहीं क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। कि भोपाल से दिल्ली एक फ्लाइट उड़ती है, हवाई जहाज उड़ता है, वो पहुंचता है 1.5 घंटे में, पर आता है 90 मिनट में वापस, ऐसा मतलब 1.5 घंटे में जाता है और 90 मिनट में वापस आता है, इतना बड़ा अंतर क्यों है? प्लेन उड़ाने वाला कौन होता है? वो ड्राइवर सर ही। कुछ यात्रियों के कारण कुछ उनकी असुविधाएं होगी, जाना रहता हो तो जल्दी पहुंच जाते होंगे, जल्दी उनके कारण आराम, फोकटीय लोग रहते होंगे उनके कारण धीरे आ रहा है। कॉमन सेंस है आप में? जी। कितना है? काफी ज्यादा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। काफी ज्यादा कहाँ रखे आपने? जेब में रखे, निकाल के बता सकते हैं? जी नहीं। बहुत अच्छा है। आप ये बात गौर कीजिए, मैं कॉमन सेंस की ही बात कर रहा हूँ, और कुछ मत बताइएगा। या तो और भी कुछ कारण हो सकते हैं कि ट्रैफिक क्या हो गया, ट्रैफिक भी है, कुछ पब्लिक जो है जाने में कुछ लेट आ रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं फिर भी थोड़ा बहुत आना चाहिए अंतर, 1.5 घंटे में पहुंचता है और 90 मिनट में वापस आ रहा है, इतना बड़ा अंतर आ रहा है दोनों के बीच में। जी जी, आने जाने में इतने बड़े लोग जो हैं, बिग फैमिली के लोग हैं, उनकी उनको सुविधा चाहते हैं। जी जी, आ रहे हैं उनके कारण भी लेट। जी जी, नहीं पर इतना बड़ा अंतर कैसे, मतलब 1.5 घंटे में जाती पर 90 मिनट में वापस आती है, ऐसा मतलब ये तो, या तो फिर दूसरे रास्ते से आती होगी, शॉर्टकट। ऊपर कहाँ के शॉर्टकट भाई, क्यों नहीं हो सकता सर? भाई आइए ना, एक मिनट, एक सवाल पूछूंगा। हवाई जहाज तो देखे होंगे तुमने, फ्लाइट उड़ती है, तो फ्लाइट एक भोपाल से दिल्ली के लिए उड़ती है, 1.5 घंटे में पहुंचती है दिल्ली, और दिल्ली से वही फ्लाइट वापस आती है तो 90 मिनट में, तो इतना बड़ा अंतर क्यों? पता नहीं यार भाई, इसलिए रुक जाता है बीच में, कभी रुक जाता होगा, किस कारण? वहाँ रुकना हो तो नीचे नहीं गिर जाएगा। सही बात है ये तो, चलिए थोड़ा तो कॉमन सेंस है इसमें। जी, जब 90 मिनट में उधर से आता है और 1.5 घंटे में उधर से जा रहा है, जी जी, तो मतलब मैं चाहूंगा कि 1 घंटे में ही कवर होना चाहिए। बड़ा अंतर क्यों हो रहा है, नहीं बताएंगे? अरे बताइए ना भाई,
सरकार को, मोदी जी को इसको इस चीज के लेके ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो जितने भी मुद्दे चल रहे हैं डिमोनिटाइजेशन वगैरह वगैरह, उनसे भी बड़ा मुद्दा है हमारे सामने आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, डेढ़ घंटे में पहुंच रहा है, 90 मिनट में वापस आ रहा है, इतना बड़ा जो अंतर बीच में आ रहा है। शासन को इस पे जी प्रतिक्रिया लेना चाहिए, इस पे सवाल जवाब होना चाहिए। नॉर्मल सा सवाल है कि जैसे आपने हवाई जहाज उड़ते हुए देखे होंगे, तो हवाई जहाज भोपाल से दिल्ली के लिए उड़ता है तो डेढ़ घंटे में पहुंचता है, पर दिल्ली से वापस भोपाल आता है तो 90 मिनट में, ऐसा क्यों? आप में है कॉमन सेंस? नहीं है भैया। तो ऐसे इतना बड़ा अंतर जो आता है भाई लोग कैसे इतना लेट हो जाती है आने में, क्या हो रहा ऊपर? थोड़ी ऊपर उड़ान भरती होगी। उड़ान भर कि शॉर्टकट मारती है जाने में थोड़ी शॉर्टकट मारती होगी आने में। ऊपर कहाँ के शॉर्टकट होते यार? गियर वेयर मतलब चौथे गियर पे डाल के क्यों? पता नहीं यार अभी तो। तो वो शॉर्टकट रास्ते से आते होगे, ये तो रुकने की प्रॉब्लम है ना। इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, मोदी जी को कुछ करना चाहिए, इस बहुत बड़ी समस्या है हमारे बीच में क्योंकि। तो क्या कहते हैं, सरकार को कुछ करना चाहिए इसके लिए? धीरे चलाता होगा ड्राइवर? हाँ धीरे चला। अच्छा जो ड्राइवर रहता है प्लेन का, ड्राइवर रहता है ना प्लेन में? हाँ। अच्छा तो वो लेट कर देता होगा शायद? नहीं वो धीरे मतलब कोई ट्रैफिक या सामने से आ रही होगी तो इसके लिए सामने से दूसरी गाड़ियाँ भी आती होगी या तो रुक जाती होगी ऊपर। रुक जाती है फिर वो सामने का सिग्नल देख के ऊपर रुक जाती होगी, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या तो शॉर्टकट मार सकते हैं। जहाँ तक स्पीड के हिसाब से होगा मुझे ऐसा लगता है। या फिर ऐसा क्यों? भोपाल से दिल्ली 90 मिनट में, डेढ़ घंटे में जाती है और दिल्ली से भोपाल आती है 90 मिनट में। ये बड़ी दुविधा का कारण आ गया है हमारे सामने, ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं आ रही है कुछ नहीं, वही डेढ़ घंटे हो रहा है। डेढ़ घंटे कैसा? चलिए भाई ने के पास कॉमन सेंस, जैसा कि इनने कहा था कि बहुत भरा हुआ है, सच में बहुत कॉमन सेंस है। बहुत धन्यवाद, ये थे मतलब इंटेलिजेंट पहले हमें बंदे मिले। चलिए भाई बहुत धन्यवाद। डेढ़ घंटा 90 मिनट से तो सेम तो जैसे कि आपने देखा, हमने कई लोगों से ये कॉमन सेंस का सवाल पूछे, कईयों को आंसर नहीं पता था, तो बट उनमें से भी कुछ बंदे निकले, रवि साहू जी, जिन्होंने हमें सही आंसर दिया कि सेम टाइम होता है 90 मिनट और डेढ़ घंटे। और ऐसे ही कई सवाल हम लोगों से पूछेंगे कॉमन सेंस से रिलेटेड, बाकी चीज़ों से रिलेटेड। तो ये प्रोग्राम देखते रहिए यूथ फर्स्ट, और मैं हूँ अभिनय सोनी, इंडिया फर्स्ट यूथ।